दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन गुरुकुल टिक्स में आपका स्वागत है। दो दिन से काफ़ी व्यस्तता चल रही थी और आप लोगों का भी अपडेट रहा था, आप सबसे भी बात नहीं कर पा रहे थे कि कैसा क्या चल रहा है काउंसलिंग। और अभी ये हम कोलकाता एयरपोर्ट में हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बगल में आपका एयर एशिया का ये काउंटर बना हुआ है, बगल में स्पाइस जेट का है। तो ये कोलकाता से फ्लाइट पकड़ के दूसरी जगह जाना है। तो कैसा चल रहा है दोस्तों आप लोगों का काउंसलिंग? तो कुल मिला के जो आपका इसमें नियम आया हुआ था कि फर्स्ट कॉलेज सेकंड कॉलेज, जो मीडिया भी लिख रही थी कि दोनों में से किसी में एक में आप एडमिशन ले सकते हैं, हमारे कुछ दोस्तों ने ये कमेंट करके बता रहे हैं कि नहीं, हमको दोनों च्वाइस में से एक ही च्वाइस मिल रहा है, जो सेकंड में जो हमको अलॉट हुआ है उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा होता है कि यदि आप सेकंड में फिर से फ्लोटिंग चूज़ हो रहा है कि नहीं और फ्रीजिंग चूज़ हो रहा है कि नहीं। बाय द वे, जिन दोस्तों को सेकंड लिस्ट में कोई कॉलेज अलॉट नहीं था उसका नोटिस तो पूरा क्लियर था कि आप यदि कॉलेज एडमिशन लेना चाहते तो आप रिपोर्ट करिए, फ्रीजिंग चूज़ करिए। और यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको उसमें छोड़ दीजिए और थर्ड लिस्ट में जो भी आपका आता है उसके अनुसार से आप काम करिए। और प्रॉब्लम आ रही थी फ्लोटिंग वाले के साथ, सेकंड वाले काउंसलिंग में फ्लोटिंग चूज़ करने दिया जाएगा कि नहीं, या फिर आपको सेकंड वाले में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, या फर्स्ट या सेकंड दोनों का चॉइस मिलेगा, या फिर फर्स्ट का चॉइस नहीं मिलेगा, केवल सेकंड का चॉइस मिलेगा। यही है अपडेट देना था। तो हमें कुछ दोस्तों ने बताया कि नहीं, वो जो है फर्स्ट चॉइस जो है आपको वो आपको नहीं मिलेगा, जो सेकंड चॉइस मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको काउंसलिंग लेटर लेने के साथ आपको छोड़ दिया जा रहा है, आपको सारा डॉक्यूमेंट फिर से जिस तरह से करके फिर फ्लोटिंग लेते हुए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है कुल मिला के, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसमें। तो यही है। और यदि कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हम आपकी बातों को रखेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए। बाय द वे, जो भी नोटिस आ रहा है, जो लोग अब्सेंट हो गए हैं, मान लीजिए कि आज काउंसलिंग था पता नहीं चला, वो कल जाके रिपोर्ट करिए, क्योंकि एक बार काउंसलिंग आपका हो ही गया है फ्लोटिंग वाले का, अब जो बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, पता नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों ऐसा कर रही है। एक बार काउंसलिंग होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स आप ले लिए तो दोबारा सारा डॉक्यूमेंट देने का तो कोई बात बन नहीं रहा है। तो इस तरह करके थोड़ा हरासमेंट तो हो रहा है दोस्तों, फिर भी क्या करिएगा, एडमिशन तो लेना है। और जहाँ तक कॉलेज फी है कि जब आप फ्रीजिंग चूज़ करेंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो कॉलेज अलॉट के समय में आपको जो है वो फाइनली आपको जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा, और 3,000 रुपया जो आप पे किए हुए हैं वो आपको उसे भी डिडक्ट हो जाएगा। तो आज यहाँ से बस इतना ही दोस्तों, और यदि होता है तो फिर मिलते हैं कल किसी कुछ अपडेट के साथ, थोड़ा फ्री हो जाते हैं फिर आपसे हम मुखातिब होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।